AQI लेवल अभी भी 400 के पार दिल्ली में बना हुआ है। लगातार केजरीवाल सरकार भी तमाम कोशिश कर रही है, तमाम प्रयास कर रही है कि इस जहरीली हवा से किसी तरह बचा जा सके, इस पर कंट्रोल पाया जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक दिल्ली की आबो हवा जो है पूरी तरह से जहरीली बनी हुई है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता जितेंद्र। जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में अभी भी ये वायु गुणवत्ता जो है वो बेहद खराब श्रेणी में है, जहरीली हवा अभी भी लोगों का जो दम है वो वहां पर घुट रहा है, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में अभी कैसे हालात हैं? जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद के जो हालात हैं दिल्ली से अलग नहीं है। गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद का जो AQI है वो 350 के आसपास है, जो कि बेहद ज्यादा चिंताजनक है। और सबसे ज्यादा इसमें जो दिक्कत है उन लोगों को आ रही है जो अस्थमा के मरीज हैं, जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिनको फेफड़ों की बीमारी है, इन तरह के जो मरीज है उनको सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि गाजियाबाद प्रशासन इसको लेकर क्या कर रहा है। गाजियाबाद प्रशासन अपनी तरफ से तो तैयारियां कर रहा है, बंदोबस्त कर रहा है, लेकिन वो जो है वो पॉल्यूशन के सामने एक बौने साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए दिल्ली एनसीआर में तो कल से यानी कि 29 नवंबर से स्कूल एक बार फिर से खोलने का आदेश दे दिया गया है। अगर गाजियाबाद की बात की जाए, जिस तरह से अभी आपने बताया कि हालात अभी जैसे दिल्ली में बने हुए हैं ऐसे ही गाजियाबाद में है, तो क्या स्कूल कल से गाजियाबाद में भी खुलने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद को लेकर अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में आज शाम होते होते DM का आदेश आ जाएगा कि स्कूल को आगे किस तरह से खोलना है, बंद करना है, ये तमाम जो चीजें हैं वो आज शाम तक क्लियर हो पाएंगे। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है कहीं ना कहीं बच्चों के सेहत के लिए बेहद ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि इसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। और सबसे मेन बात ये है कि जो हवा जो चलनी थी, जिसको आसार लगाए जा रहे थे मौसम विभाग की तरफ से भी, जो कहा जा रहा था कि अगले हफ्ते हवा चल जाएगी, लेकिन वो हवा की जो स्पीड है वो 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन के जो कण है वो अभी भी वो वातावरण में घुले हुए हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए लगातार अगर इस पूरे मामले को लेकर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है, दिल्ली में स्कूल बंद कर दिए गए थे, बाहर के वाहनों की एंट्री बैन कर दी गई थी, जो ट्रक्स आते थे बाहर से, तो ऐसे में अब गाजियाबाद की बात कर ली जाए तो गाजियाबाद में अब प्रशासन क्या कुछ आगे कदम उठाएगा, क्योंकि अभी भी राहत तो मिलती हुई कहीं नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद के अगर प्रशासन की बात की जाए, खासकर GDA और नगर निगम की तरफ से जो है लगातार छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन वो जो छिड़काव है वो सिर्फ VIP एरियो में तो किया जा रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है जैसे लोनी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है। अगर गाजियाबाद की पॉल्यूशन की अगर सबसे ज्यादा हवा जो खराब होती है वो सिर्फ वो लोनी में होती है, उसके बाद वसुंधरा आ जाइए, उसके बाद आपका कवि नगर हो गया, इन तमाम जगहों पर अगर पॉल्यूशन की बात की जाए तो वहां पर नाकामी छिड़काव हो रहा है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन वो जो छिड़काव है वो नाकाम है, क्योंकि सबसे जो मेन जगह है लोनी इंडस्ट्रियल एरिया, वहां पर छिड़काव जैसी किसी भी तरह की कोई व्यवस्था अभी तक दिखाई नहीं दे रही है, और जो दिखाई दे रही है वो बहुत ही कह सकते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। जी चलिए ठीक है जितेंद्र, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली NCR में अभी भी हालात जो हैं वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है, और सिर्फ अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में भी हालात दिल्ली जैसे ही बने हुए हैं। हालांकि लगातार प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिश तो की जा रही है, तमाम प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हवा जो है वो अभी भी बेहद जहरीली बनी हुई है, जिससे तमाम लोगों को परेशानियां हो रही हैं, जिन्हें सांस लेने की परेशानी पहले से थी उन्हें भी इस समय अब काफी दिक्कत हो रही है, और ऐसे में और भी लोग हैं जिन्हें अब इस दम घोटू हवा से परेशानी होने लगी है। हालांकि स्कूल अभी तक बंद थे, लेकिन गाजियाबाद में प्रशासन कल से स्कूल खोलने पर क्या कुछ फैसला लेता है ये देखने वाली बात होगी।